अभी हम आए थे नमाज़ पढ़ने के लिए आए थे, तो आटा हमारा हो गया रेडी, हो गया होगा। अभी जो आगे हमने करना है आटे को पेड़े करने, आटे मस्जिद थोड़ी सी दूर है भैया, आटे की मम्मी लगे वो आटे की रेडियो में टाइम लगता है, पता 20 मिनट लगते हैं, तो मतलब माफ पढ़ लेते हैं। अब हम वापसी जो आ रहे हैं, दोबारा जाके आटे को रेडी करते हैं, आगे उसे पेड़े करना है, इसकी पेड़ियाँ बनाएंगे, फिर इसको हम करेंगे रोल बनाएंगे, फिर रोल के बाद उसको हम ट्रे में लगा देंगे। रोल लगाने के बाद कुछ घंटे बाद ये चले जाएगी फिर शॉप पे, फिर वहाँ पे इसको वेल के पाठे तैयार कर देंगे, फिर इस तरह लच्छेदार पाठे तैयार हो जाते हैं। हम देख सकते हैं आटा कितना सही हो गया, वो आटा बिल्कुल रेडी हो गया। हम इसको हमने यहाँ से निकाल के टेबल पर रखना है, टेबल पर रख के मस्त हमने करने हैं पेड़े करने हैं। अब आटे का हमने टेबल पर लगा दिया है, इसके ऊपर हमने करना है डालडा घी यूज़ करना है। इसे हमने घी हमेशा अपने करना अच्छे वाला लेना है, इसलिए मैं लगा रहा हूँ डालडा घी लगा रहा हूँ मैं, तो डालडा होता है वनस्पति होते हैं और ये अच्छा भी बहुत है। हमने घी लगा के 2 मिनट छोड़ देना है, 2 मिनट से हमें रेस्ट देना है ताकि इसके अंदर ज़्यादा बोझ जाए। देखना ऐसा मलाई लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लगा मलाई है, इतना अच्छा आटा गूंदा है। अब इसे हमने करने हैं पेड़े बनाए, पहले से हम कट करना है, फिर तो पेड़े बनाने हैं हमने, पेड़े के बाद हम पेटियाँ बनाएंगे। देखना मैं इसे नाइफ से मैं इसे कट लगा देना है, हमने कट लगा देना है, ठीक है। सुबह से हमने करने बाउल तैयार करना है, सुबह समान पेड़े तैयार करने बाउल्स। अब देखना है बाउल कैसे तैयार करते हैं, हमने ऐसे करना है और प्रेस करना है, तो ये हमारा पेड़ा तैयार। सुबह हमने पेड़े का लेने, पेड़े के बाद इसको हम सुबह हमने दिखाना है सबको दोबारा से डालडा की मैरिनेशन करनी है इसका। तो इसको हमने दोबारा शो तो दोबारा हमने कोई 10 मिनट का फिर स्टे करना है ताकि इसमें घी से ज़्यादा ज़्यादा बोझ जाए। आप लोगों को समझ लग गया होगा आटे गूंदने में हमने इसको कट लगाने हैं, आटे को कट लगा के हमने करने हैं पेटियाँ, पेड़े करने हैं, हमसे बॉल बनाए स्मार्ट स्मार्ट से बॉल बनाए हमें, इस सारे हमने बॉल तैयार करने हैं। इसको थोड़े से हमने घी लगाना है, घी मैरिनेशन करके थोड़े छोड़ देना है हमने। हाथ से कर लें, तो बेशक इसको आप कर लें बेलन से भी कर सकते हैं इसको। ये हमारी बेटियां तैयार हो रही हैं, इसके बाद काम करेंगे ये होगी पेटियाँ तैयार। पेटी तैयार करने वास्तव हमने कुछ 10 मिनट तक छोड़ देना है इसको, इसको दोबारा स्ट्रेच देते तक ही थोड़ी सी नरम हो जाए। इस बात को हम करेंगे रोल शेप देंगे, जिससे हमने
करना, वाल तैयार कर लें, वाल कैसे बनाएंगे, पहले फिटिंग सर होंगी, फिर फिटिंग हमने खींच की इस तरह स्ट्रेच कर लें, स्ट्रेच करने से हमने फिर करना है फोल्ड कर देना है, हमारा पीड़ा तैयार हो जाता है। पहले पहले शेप ये थी, फिर आई बोल शेप में आई है, फिर हमने पेटियाँ की हैं, पेटी के बाद हमने स्ट्रेच की है, स्ट्रेच करने के बाद इसको हम करेंगे वल डाल के पीड़ा बना लेंगे, ठीक है। अब देख ले इसको हमें ऐसे करना है, तो इस तरह के लाइन्स आ जाए, ये लाइन की पेड़े को शेप देती है, तो लश भी इस तरह तैयार होते हैं। अब इसको इस तरह करके उसको अपने फोल्ड कर देना है। ये देखा कि अपने टू फिंगर्स लेनी है, अपने टू फिंगर अपने बोल देने, ठीक है, उसको अपने इस तरह घुमाना है अपने, देखा ही लगा उसको अपने घुमाएंगे तो ये पेड़ा तैयार हो जाता है। आप हम बाद में दिखाएंगे इसको पराठा कैसे बनाते हैं। इसको पहले मैंने वीडियो शेयर की हुई, उसमें दिखाया हुआ है, उसे वेलना है, वेल के इसको हम कर देंगे तवे पर डाल के बना लेंगे। आप देख लो, ठीक है, फिंगर पड़ा हुआ इसमें इसको उतारेंगे तो ये पेड़ा तैयार हो गया, ठीक है। इसके बाद हम शॉप जाएंगे, तो वहाँ जाके हम आपको बताएँगे कि पराठा कैसे तैयार करते हैं। पेड़े को लेके एक साफ ट्रे लेनी है, अभी देख रहे हैं मटको ट्रे में लगा दी हमने, ट्रे में लगाने के बाद उसको फ्रीज कर देना है। ये देखिए हमने ट्रे तैयार कर दी पूरी, ट्रे का हमने करना है ढांपना है, ढांप के इसको हमने करना है फ्रीज कर देना है थोड़ी देर के लिए। अभी देखिए इसको हमने कर दी कवर कर ली है, कवर के बाद इसको हम कर देंगे फ्रीज करेंगे एक घंटे के लिए, उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे, उसके बाद आप उसके बाद हमारा भी हो जाएगा लस्सी वाला पराठा तैयार हो जाएगा।